अब की बार बहुत बढ़िया माल है जी, बीजेपी के तो सिस्टम खत्म हो गयो। अब की बारी सिरसा जिला में बहन शैलजा को बहुत तगड़ो प्रभाव है और बहुत बढ़िया वाचन लाग रही है। हर एक गाँव हूँ, हर एक शहर हूँ, हर एक और हूँ, हर एक बरक हूँ, जीत के निकलेगी शैलजा बहन। शैलजा क्यों जीतेगी, कारण क्या है? शैलजा कोई की आदमी गलत कौन बोले रही, बहुत सही बोले रही है। बहुत अंग पिताजी माले दलवीर सिंह जी की सभी बहुत बढ़िया है। सारी बात ही और एक जगह रही है, कांग्रेस में ही रही है, अंग पिताजी है और सारा कांग्रेस हो रही है। एक कांग्रेस पार्टियाँ की माँ है। तो शैलजा तो 20-25 साल बाद में आई है सरसा में। देखो कदी आओ सरसा की जनता से, शैलजा बहन जी को प्रेम है, प्यार है, सारी बात है। बने बहुत बढ़िया वोटों जीता की माने बहुत बढ़िया वो अभी बात कही मैं, हर गांव में हर बरगाड़ा कहीं भी शैलजा बहन मान ले टिकट लेगी कांग्रेस पार्टी की तो मैं वोट देंगे। शैलजा जीतने की चर्चा चल रहा है, फुल वोटों जीते ही, कम से कम 3 लाख वोटों जीते ही। 3 लाख वोटों तो ठीक है, थारी प्रेडिक्शन है, लेकिन कारण क्या है? इसका कारण ये है जी, एक तो इसने पार्टी नहीं छोड़ी जी, जब से है तब से कांग्रेस में ही है। ये सारे लीडर ही छोड़ छोड़ी, कोई किसी पार्टी में जानता रहा, कोई किसी में जानता रहा। तो काम के करवाया है शैलजा का? काम बहुत बढ़िया करेड है, सदा हूँ काम सब बात से ही करिया, गलत काम कौन करियो यहाँ कोई। हाँ जी, गलत ना करियो तो वो बहुत बढ़िया काम है। हाँ, हर एक आदमी ने मान सम्मान मिली है, आ बैठ मिली है, जी हाँ जायज काम है तो वो हो है, नहीं जायज है चलो कौन ही हो तो गलत काम जरूर नहीं किया जी। इस बार शैलजा जी भारी वोटों से यहाँ सिरसा से जीतेगी, जनता की मांग पर ये टिकट मिली है और बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ सीट निकलेगी। तो बीजेपी ने भी तो काम बहुत अच्छे किए हैं। काम किए हैं, जुमलेबाजी ज़्यादा की है, काम का कोई है नहीं है। आज लोगों से डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं हो रहे, काम तो नहीं कहा है, इसलिए लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। अब कल तो कांग्रेस पक्की आ गई, पक्की आ गई सारा हरियाणा में। हाँ, अनपढ़ हो गया लोग सारा। अच्छा, अनपढ़ आदमी है, अरका कितनी पूरा को नहीं हमारा तो फिर और आ जाओ कोई ना ना, बीजेपी ने बढ़नी को ना, बीजेपी नहीं बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस काम के करे? कांग्रेस गए सर काम अड़े काम है, सड़क ले लो, नहर ले लो, खाड़ा ले लो, बिजली ले लो, सर कांग्रेस गए करे डान के करी है। कारण के नया कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट तारो निराज है लोग। बढ़िया आई तो 25-26 साल बाद में। हाँ जी, तो बढ़िया लगा है, नहीं आई है काम करेगी इटे। अच्छा, नहीं आई है तो बढ़िया लगा है। हाँ, अच्छा तो पहले आई जब वोट कौन दिए होगे थे? पहले जब सांसद बनी शैलजा। हाँ, तो जब दिया वोट है। हाँ, जब कितना काम करिया? काम अच्छा करिया। अच्छा करिया। हाँ, कांग्रेस को ठीक लगा है। कांग्रेस को हाँ, सीट कट है, किया कट है, काम बहुत बढ़िया कर लो कांग्रेस पहले। आठ ने खाड़ा नेर भिंगी बनाई दी ना, अब 5 किलो कणक दे भिंग भूख कौन दी है, रेख हटा दी डंडल हर चीज को, बिजली कम मिले, पानी कम मिले, आ समुंदर नेर रह दिया, कांग्रेस राजी कर दिया है। उड्डा काम कौन बोलना को नहीं कदी, इतना काम कर रहा है बढ़िया। हमारे सरसों शैलजा जीता जी, बिल्कुल कारण की बस लोग लहर बन गई, सब कारण लहर को ही होगा। लहरा दुगल जीती, मोदी लहरी जी 3,40,000 वोटों जीती, भाई दुगल अब कर जीता तो कौन? अच्छा, फैक्टर फूक रहे, खाली कहानी है जी, खाली कहानी है। नहीं तो भी है, कांग्रेस सर तो आपस में लड़ाई करे, एक दूसरे जीतन कौन दे? बे लड़े जनता तो कौन लड़ने ला रही? अच्छा, जनता आपको काम पर कामयाब। अच्छा, तो फिर नेता लड़ा लड़ता रहो, कोई शैलजा पर कोई असर कौन? अच्छा, ये सच्चाई है जी, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, क्या बढ़िया है? खूब जीतेगी। क्यों कारण क्या है? कारण की सारा क्रिया राज्य रहो। अच्छा, हाँ शैलजा राज्य। हाँ, अच्छा तो शैलजा तो क्या 20-25 साल बाद में आई है, तो बिंगो कोई फर्क तो नहीं पड़ जो फर्क है, अब जीती घड़े पड़ो। अच्छा, जीते फर्क पड़ा हुआ है। तो अच्छा, काम के करवाया शैलजा गाड़ा? शैलजा घड़े करे जयपुर कांग्रेस से, राज में काम होता घड़ा ही, काम क्यों नहीं हुआ?
हाँ माहौल बहुत बढ़िया है जी। शैलजा जी जीते गई लगभग 1.5 लाख वोटों। अच्छा जी ठीक है। जीतने को कारण क्या है? कारण है कांग्रेस काम अच्छा कर रहा, बीजेपी वाला करण कौन लग रहा, ऐसे सिर्फ झूठा जुमला दे। अच्छा जी नहीं तो बीजेपी वाला तो कहने भी काम घना ही कर रहा है, खाला पक्का कर दिया, नहरा पक्की कर दी, डैम कण बनाया जी, डैम कण बनाया, डैम कण बनाया, वो पूछो नहीं ने कांग्रेस की राज में बने रहा डैम है, बागड़ा डैम, नागल डैम, डोब, जो भी डैम पानी पीने लग रहा वो पानी कांग्रेस को ही दे रहा है। और बोलो जी, बता रहा 370 तोड़ दी कर, वो 3 तलाक कानून खत्म, देखो कुछ काम करे है लेकिन झूठा वादा ज्यादा करे है। हाँ जी तो राम मंदिर बनाया भी कोई फर्क कौन पड़ा, अपन के फायदे है, के फायदे है राम मंदिर को बताओ, मारा आपके काम में रहे हो मंदिर, रामदेव मंदिर रहे हो, बाबा मंगनाथ जी को मंदिर रहे हो, घना ही मंदिर है, बटा जाऊंगा धोख तो मार लेंगा। 1947 के बाद देश आजाद हो जब कांग्रेस ही काम करी है, स्कूल है, नहर है, मान लियो पढ़ाई वालों काम करिए और करिए, बीजेपी तो क्या करिए जी, कुछ ही कौन करियो, जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो 10 साल कितो विकास कर गए, एकदम किसान खुशहाल है, हरण के काम करो किसान, अब पहले 50 किलो कट्टो, फिर 45 किलो, 40 किलो नैनो यूरिया और करके सिस्टम खराब कर दिया, और एक फैमिली आई डी और सोदो के फैमिली आई डी के और सारा ही चक्कर में फिर है, फैमिली आई डी के कोई डॉक्यूमेंट ही पूरा कोई होने लग रहा, और सरकार तो ही काम करती है, हर गांव में पहली मार गांव में कोई फोटो शर्ट की दुकान को नहीं, 15 दुकान है तो टाइम ही कौन मिलना है, वो सिस्टम कर रखी है, कनक का पीसा कर दिया होगा, मिनो मिनो कनक बेचन हो गया, खाता माओ और बुरु हाल हो रही है जी। माहौल हमारे गांव में 3800 वोट है, आप बहन जी कम से कम 2000 वोटों से जीत रही है, यहाँ मैं पूरा हल्के की गिरदावरी करी है, चाहे वो एलनाबाज की हो, चाहे रानिया की हो, चाहे वो डबाली की हो, जो वो कालाली की हो, चाहे वो सरसे की हो, चाहे वो फतेहबाज की हो, वो चाहे रतिया की हो, चाहे टुवाणे की हो, चाहे वो नरबाने की है, लेकिन इसमें 19,21,000 वोट है, 650 गाँव है, तो लगभग मेरे जी का भी 4.5 लाख वोटों, हमारे तो रिकॉर्ड बनाना है कि भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है तो किसका है, तो मेरे जी 4.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीत है जी। हाँ जी कारण क्या है, इनका कारण है जी ये भारतीय जनता पार्टी से लोग खिलाफत हो गए, जो लोगों से वायदा था नहीं वो वायदा खड़े नहीं उतरे, लोगों से किसान आंदोलन 1920 के अंदर था, जो मेखा रोप दी थी दिल्ली और सिंगा बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के अंदर किसानों की 750 आदमियों की डेथ हो गई थी, लोगों ने इसके बाद में हरियाणा और पंजाब के अंदर भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं जीत रहे, हमारे अपने हरियाणा के अंदर 10-10 सीट लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस जीत रही है, फैन शैलजा की जीत है 100 की 100, तो ताली बजा दो थे ही मीडिया रो, सुनो ही सुनो थे बता दे डॉक्टर साहब, अब क्या आई है 26 सालों, कही क्या 26 सालों आई, आई तो है लड़ा के भी नहीं गाले होता, और ने कूनी मारा बतावे लोगों ने, अब करना रहा है कौन के, आ तो एक एमपी की बेटी है, एमपी आप रेडी है, अरे पीड़िए की बीमारी है हमारे घर में, जब घर कर फिरी है और पैदल यात्रा काटी नहीं, सगड़ा इन प्रेम प्यार दियो बहुत बढ़िया, तो एमपी की बेटी है, एमपी एकर बनेड़ी बतावे बनेड़ी है कृष्ण के, एकर कौन, दो पर एमपी बनेड़ी है, एमपी बन गए दिल्ली बैठेगी, सोने को बना देगी हरियाणा ने, वाह ए शैलजा क्या बात है तेरी, हाँ बन गए, हमारा काको तो हिंदी ने मारे तरड़ो क्यों नहीं सुनी लगे, हिंदी में आवे को नहीं, इसको काम नहीं करना चाहिए जो को नहीं आवे, काम वो ही करो जो को सगड़ा का समझ मार जा, तो ऐसे वैसे करते करते कितने पर उड़ जा पंजाबी और ले ले सके, इतो को नहीं एक ही भाषा रखो, महिलाओं को पता नहीं था अभी हमारी मीटिंग होने वाली है, हमारी गांव संगठन की जो मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग के माने उन्होंने बुलाया था, जाकर देखे तो वहां तो मंत्री संतरी और कांडा बांडा सब आए थे, कांडा आए थे, उन्होंने बस मन कांडा को साथ गोद में उठा रखा है, अभी इनके बहाने से हम सत्संग वगैरह कराते हैं तो हम जीत जाएंगे, तो भैया आप जुमले में आने वाले नहीं है कोई, सब वोटर समझ चुका है, जाग चुका है, अब कोई वो बात नहीं चलेगी, जैसे कि आपकी जो आप बहानेबाजी करते हो संविधान की, ये खुरेज खुरेज के खा गए संविधान को 10 सालों में आपने, जैसे कि 400 सिलेंडर था अब 1100 कर दिया, सब किस कोई तो बताओ हमें भी इस बहाने में वोट दें, 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया, 70 साल में 60 साल का पेट्रोल था अब 100 रुपये कर दिया, चीनी 20 रुपये थी इस 10 साल में ये 50 रुपये किलो की, बताओ कोई एक जो आप ऑप्शन बताओ भी ऑप्शन के पीछे हम आपको वोट दें, तो भैया कोई इसके बहाने वोटर जाग चुका है, अब कोई यहाँ सिरसा से हमारे गाँव जोतर से तो बहन कुमारी शैलजा जीत कर निकलेगी, क्या माहौल लग रहा है इस बार, हमें इस बार लग रहा है कि बहन शैलजा जीतेगी हमारे गाँव में, तो अच्छा कितनी बार रहे हैं इससे पहले आपके गांव में, इससे पहले हमारे गांव में वोट
ये हमारे गांव में वोट लेने आते हैं और वोट के बाद कोई नहीं आता हमारे गांव में, हालचाल पूछने भी नहीं आते और कुछ कोई काम करने भी नहीं आता, कुछ देखने भी नहीं आता गांव में क्या मूल है। कांग्रेस जीतेगी, 15 सालों मोदी, अब एक बार कांग्रेस ही आवेगी। मोदी के बढ़िया काम कौन करा करिया तो आप, कांग्रेस जीता को नहीं करिया। कांग्रेस सारी चीजें बढ़िया ही करे, कोई तो बदलाव होना ही चाहिए, हमेशा मोदी है 15 सालों। हाँ आप कल कांग्रेस जीतेगी, कभी तो बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस के बदलाव है सारी चीज हमारे लिए, महिलाओं के लिए की है, नोक दल की कौन करियो, अरे मोदी करे दो दो किलो जमीन है, बांग राशन काट दिया, जीवन जाट है कि 500 किलो भी है 100 किलो भी है, बेंगा के करियो फिर बांगे त्रासन मिलन लाग रहे है, गरीब आदमी ने क्यों कौन मिले है इंग कारण, एक जना ने 5 किलो देवे, बाकी फिर और क्या खाओगे, एक महीना में 5 किलो दे एक आदमी ने, जब बाकी क्या खाओगा, हाँ ज्यादा देना चाहिए वो फिर राशन के हिसाब से हो ही है, गरीब आदमी और क्या खतरा है, मार बगा जमीन को नहीं रोजगारी करा वो क्या खत्म लड़ा खत्म का बोलिया और बोलिया क्या के लिया, कभी का फैमिली अड़ लियो कभी धर कर लियो, बेबी सही कौन हो, कितनी बार कराओ कितनी बार ना कराओ, कांग्रेस हमारी सुनाई करेगी, मैं कांग्रेस से गई हूँ, एक कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस कौन करे, कौन करे हमारी गारंटी है। बोल जी अब की बार कांग्रेस का एक तरफ माहौल है जी, हाँ जी जो प्रधानमंत्री सारा दिन झूठ बोलते हैं, दिनों दिन दिन रात झूठ बोलते हैं, वो कोई बात उनकी सच्चाई नहीं है, कोई बात उन्होंने आज तक सच्ची नहीं कही, 15 लाख खाते में आएंगे, किसानों को आई दुगनी हो जाएगी, आड़तिया दुखी है, हर वर्ग दुखी है उनसे, एक 5 किलो अनाज ले लो वोट दे दो, नौकरी है नहीं, युवा रोजगार है काम धंधा एक किसी के पास है नहीं, तो बताओ किसको वोट देगा वो, जो बीजेपी से ऐसे उन्होंने तोड़ दिया उन्होंने, अब हर आदमी हर वर्ग दुखी है, अब वो कहता है एक ही बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस।